नमस्कार। मैं अभी लखनऊ के गोमती नदी के पुल के पास मैं आया हूँ। आज भक्ति में जो हमारे देश की तस्वीरें सोचा कि जमीन पर उतर करके आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आप देखेंगे हमारे पीछे साइड में भी लोग राम भगवान का झंडा लेकर के और कहीं ना कहीं अपनी सनातन संस्कृति को जीवित रखने के लिए लोगों को एक संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ेगा, क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत करीब है। तो 2024 के चुनाव में मोदी जी को भी इस पे बहुत बड़ा योगदान मिलेगा। अभी हाल में ही हमारे पास एक खबर आई थी कि राहुल गांधी अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन वहां पर राम भक्तों के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य, क्योंकि जब निमंत्रण दिया गया था उस समय राहुल गांधी जी ने मना कर दिया था। कई अन्य ऐसे विपक्षी नेता थे जिन्होंने मना कर दिया था। मना करने के बावजूद भी आज उनको लगा कि वोट बैंक की कहीं ना कहीं राजनीति खिसकते हुए नजर आ रही है, तो आज बेशर्मी के साथ वहां पर जब पहुंचते हैं तो राम भक्तों के द्वारा उनकी बेइज्जती कर दी जाती है और उनको पब्लिक के बीच में बैठ करके राम सियाराम करना पड़ता है। क्योंकि आज की जो पीढ़ी है, यानी नवयुवा वर्ग है, मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर एक जोश और जो जज्बा है, वो जोश और जज्बा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप पीछे देखेंगे कि रैलियाँ लोग निकाल रहे हैं, होटल उल्लास से खुशी के माहौल में है, और सीधे साथ में आप चारों तरफ देखेंगे, ये लखनऊ का गोमती नदी है, उसके पुल पर मैं खड़ा हूँ। तो मैं बाहर निकला, मुझे लगा कि एक जमीन का जो सत्य है वो दिखाने का प्रयास ये कर रहा हूँ कि लखनऊ के अंदर आखिर माहौल कैसा चल रहा है। इसके अलावा भी कई जगह पर लोग बड़ी बड़ी रैलियां निकाल रहे हैं, कई बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा उन तक भी पहुंचने का और उनसे बताने का। तो कहीं ना कहीं जो 2024 का चुनाव है, ये संकेत दे रहा है कि अगली बार एक तरफा वोट कहीं ना कहीं सरकार को मिलते हुए नजर आ रहा है, और इसमें अभिव्यक्ति चाहे कुछ भी कहता रहे, लेकिन इसमें अब वो कुछ भी नहीं कर सकते। जो था भी वो हाथ से निकलते हुए नजर आ रहा। बने रहिए हमारे साथ, हम फिर से आपको बहुत जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ मुलाकात कराएंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।